इंदौर में गणेश उत्सव के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर शहर की परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम सड़कों पर दिखाई दिया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत इस बार भी भव्य झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों और प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। इस वर्ष भी 25 से अधिक आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिनमें प्रमुख रूप से खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और 6 कपड़ा मिलों की झांकियां शामिल थी। शहर की सड़कों पर इन झांकियों के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। इनमें से हर झांकी ने अलग अलग धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं को प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झांकियों को देखने के लिए शहरवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने इस पर्व में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। हम लोग तो कॉलेज में भी अगर बाहर रहते थे, पर इस टाइम पे हम जरूर आते थे, क्योंकि यहाँ का माहौल जैसे फेस्टिवल्स इंदौर में सेलिब्रेट होते कहीं सेलिब्रेट नहीं होते, तो हम स्पेशली आते हैं अगर हम बाहर भी रहते हैं। तो ये हमेशा रहनी चाहिए, आगे भी मतलब हर साल होना ही चाहिए, ये तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। इसीलिए हम आते हैं, बाहर लगता नहीं है कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, गणेश चतुर्थी है, तो झांकी देखना तो ऐसे कंपलसरी है, तो हम आते ही है इधर, तो मिस तो बहुत करते अगर बाहर रहते हैं तो। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है जो कि इंदौर में होती है, हर साल हम लोग यहाँ पे देखने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का माहौल। मैं तो इंदौर का ही हूँ, तो मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ। नहीं, हर साल आते हैं स्पेसिफिकली देखने। दरअसल इंदौर शहर में बंद हो चुकी कपड़ा मिलों के मजदूरों के द्वारा अपने जुनून, जोश और जज्बे की बदौलत अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाला इंदौर का गणेश विसर्जन समारोह आज भी देश और प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहां 100 से भी अधिक साल पुरानी इस परंपरा का निर्वहन इस साल भी शिद्दत के साथ किया गया। अपने नाम के ही अनुरूप रात भर ये कारवा चलता रहा। अनंत चतुर्दशी के इस चल समारोह में सबसे आगे खजराना गणेश की झांकी की अलौकिक छटा बिखेरती हुई दिखाई दी, जो कि खूबसूरत और दर्शनीय बनाई गई थी, जिसमें धार्मिक प्रसंग के साथ इस झांकी में पर्यावरण और पशु पक्षियों के संरक्षण का भी संदेश दिया गया। झांकी के दूसरे हिस्से में पेड़ पौधे के साथ पर्यावरण संरक्षण की तख्तियां लगाई गई। इस झांकी के पीछे नगर निगम की 3 झांकियां थी। इन झांकियों का निकलना चिमनबाग से शुरू किया गया था, जो कि जेल रोड, एमजी रोड, कृष्णपुरा छतरी, नंदलालपुरा, सब्जी मंडी, जवाहर मार्ग, नरसिंह बाजार, गौराकुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, कृष्णपुरा पुल से शिवाजी मार्केट रोड होते हुए अपने अपने स्थानों तक पहुंचने में पूरी रात गुजर गई। इन जगमगाती झांकियों को देखने के लिए शहर के लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। यहां मिल मजदूरों द्वारा बनाए गए इन झांकियों को लेकर मिलों के पदाधिकारियों में भी उत्साह देखने को मिला। हलवा मिल को 90 वर्ष में झांकी दिखा रहे हैं आपको, एक राष्ट्रीय है, 2 धार्मिक है और बहुत साफ सुथरी झांकी है। आपको मूर्ति बोलते हुए नजर आएगी, फाइबर की पुतली है, ऑयल पेंट है, बहुत शानदार झांकी दिखी। कितने समय पहले से बनना चालू? 2 माह से काम चल रहा है, 2 माह से। और कितने कलाकार जो है पूरा लगते हैं, कितने लोग चाहिए? कितने लोगों का पूरी टीम आप लोगों की लगती है? 30-40 आदमी की टीम रात दिन काम में लगी रहती है। कोई गाड़ी रिपेयर कर रहा है, कोई ट्यूब टायर बदल रहा है, तो ये सब चला करता है, 2 महीने हो जाते। अब आईडीए, नगर निगम और अलग लोग मदद करते हैं, उससे कितना लाभ है? आईडीए ने 3 लाख रुपए दिए, नगर निगम ने 2 लाख रुपए दिए, रमेश मेंदोला ने 25,000, सजन वर्मा ने 25,000, सत्यनारायण पटेल ने 25,000, योगेंद्र महंत जी ने मदद करी है पूरी झांकी की, और हमारे वो राम बाबू अग्रवाल उनने मदद की है। राहत है, बहुत कुछ राहत। ये कल्याण मिल का 95वां वर्ष है, लगातार 95 वर्ष, केवल 2 वर्ष जो बीच में कोविड के रहे उसको छोड़ करके लगातार ये झांकी चलती आ रही है। मिले बंद हो जाने के बावजूद भी ये परंपरा जाहिर है, इंदौर की शान है, पहचान है, जैसे यहाँ की कपड़ा मिलों की पहचान थी, वैसी ये झांकियों की पहचान बन चुकी है। और न केवल इंदौर बल्कि पूरा प्रदेश, पूरा देश और अब तक विदेशों में भी देखा जाने लगा है। तो ये हमारी इंदौर की शान है, लगातार ये चलती रहेगी। इसमें
विशेष सहयोग हमें आइडिया भी करता है, नगर निगम भी करता है, कुछ जनप्रतिनिधि भी करते हैं। आपकी झांकियों में क्या कुछ खास है? इस बार हमारी दो झांकियां है, एक हमारी झांकी रक्त भी राक्षस से कालका माता को, कालका माता युद्ध करते हुए दिखाया गया है, राक्षस रक्त बीज का वध करते हुए दिखाया गया है। दूसरी झांकी हमारी राष्ट्रीय झांकी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को हिंदू मुस्लिम एकता का हमने वेशभूषा से उनको सुसज्जित किया है, जो राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। इधर झांकियों के कारवा को लेकर नगर निगम से लेकर पुलिस प्रशासन तक ने खासे इंतजाम किए थे। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जो अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, इंदौर शहर बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है, और हर साल की तरह आज भी बहुत ज्यादा संख्या में जो इंदौर वासी हैं वो इस जुलूस को देखने के लिए निकले हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें सुरक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा चुनौती रहती है, जिसमें पुलिस उसको स्वीकार करते हुए लगभग हमारा 1,500 से 2,000 का बल यहाँ पर तैनात है। पूरे सुरक्षा जो जुलूस का मार्ग है उसको पहले से ही चेक किया गया है, एक एक जगह पे हमने यहाँ पर अपने कट पॉइंट्स लगाए हैं, हाई राइज पॉइंट्स लगाए हैं और वॉच टावर्स लगा के रखे हैं, ताकि लोकली भी अगर कुछ होता है तो उसको देखने के लिए वहाँ पर हमारे पास बल उपस्थित है। पूरा मार्ग जो है वो सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है और उसका एक कंट्रोल रूम कमांड सेंटर बनाया गया कृष्णपुर छतरी पे, जहाँ पर हमारे शहर के वरिष्ठ अधिकारी बैठ करके वहाँ से मुआयना भी कर रहे हैं। इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को हमने तैनात किया है। हर साल की तरह शांतिपूर्ण रूप से इस साल का भी जुलूस हम लोग निकाल पाएंगे और हम आशा करते हैं कि इंदौर के जो शहरवासी हैं सौहार्दपूर्ण रूप से और शांतिपूर्वक रूप से इस बार के जुलूस को निकल पाएंगे। जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन कल इंदौर शहर में होने वाला है, जिनके कार्यक्रम के लिए पहले से ही तैयारियां चालू हैं और जितने भी बल का डिप्लॉयमेंट होना है, रिहर्सल होना है और जो व्यवस्था लगनी है, उन सभी के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और कल उनका कार्यक्रम भी बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से करवाया जाएगा। हम सभी शहरवासी सब लोग उनके मतलब काफी खुशी उल्लास से उनका ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। नगर निगम इंदौर ने भी इसमें तैयारी कर रखी है, पूरे झांकी रूट की हमने तैयारियां कर रखी है, लाइटिंग से लेके पैच रिपेयर, साफ सफाई, जो बेसिक व्यवस्था है वो भी कर रखी है। विसर्जन स्थल पर भी हमारी ऑटोमेटेड जो विसर्जन की प्रणाली है उसको बना लिया है, प्लेटफॉर्म तैयार है, तो सभी तरह की तैयारी है। गणपति बप्पा से बस यही प्रार्थना करेंगे कि आप उनको विसर्जन करने की प्रार्थना रहेगी कि हमारे शहर को सुख समृद्धि दें और स्वच्छ रखें, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज स्वच्छता की मशाल रैली भी निकाली गई है और हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं और इंदौर हमेशा नंबर वन रहे, इसके लिए नगर निगम पूरी तरह प्रयासरत है। आपको बता दें कि इंदौर में झांकियां निकलने की परंपरा 1920 के दशक में मिलों से शुरू हुई। यहां सर सेठ हुकुमचंद की हुकुमचंद मिल ने सबसे पहली झांकी निकाली थी। कोरोना काल में 2 साल झांकियों की परंपरा को ब्रेक लगा था, लेकिन बाद में फिर से ये परंपरा अपने पुराने स्वरूप में सफर पर निकली। इंदौर का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए रखने का प्रयास है, जिसे हर वर्ष गणेश उत्सव के दौरान अनंत चतुर्दशी पर और भी जीवंत किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।